टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 के 1.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मीन्स जो नंबर दिया गया है उसको हमें पहले प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, पहले फैक्टर करने उसके, देन उसको प्रोडक्ट फॉर्म में शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन नंबर होगा उसके हम फैक्टर करेंगे, 140 के फैक्टर करेंगे हम। तो हमने देखा पीछे 20 दिया है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा हमारा। 2 से किया 70 टाइम्स, 2 से किया 35 और 5 से किया 7 टाइम्स और 7 × 7। तो हमने देखा 140 के फैक्टर आए हमारे, 140 के फैक्टर हो गए हमारे 2 × 2 × 5 × 7। तो इससे हमने देखा कि यहाँ 2 का पेयर बना हुआ है, 2 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं 5 × 7। तो इस तरह से हमारे जो ये सिंगल नंबर था लिख दिया। तो 140 के हमारे इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई वाली फॉर्म हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन दिया है इसका 156 को हमें प्रोडक्ट फॉर्म में शो करना है। 156 को प्रोडक्ट फॉर्म में शो करना है तो अब इसके भी फैक्टर करते हैं हम। 156 के हमने फैक्टर किए, यहाँ पीछे 6 दिया है तो इसका मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 2, 9 = 3 से और 13 से 13 1 है। हमने देखा 156 के फैक्टर हो गए हमारे 156 = 2 × 2 × 3 × 13। इट मीन्स 2 को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 वन टाइम आया है और 13 × 13। तो ये इसकी प्रोडक्ट फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम कह रहा है 3825 के हमें फैक्टर करने हैं। 3825 के फैक्टर करते हैं हम। सबसे पहले हम गिवन नंबर को पीछे से देखते हैं। पीछे देखा हमने 5 आया है हमारा। अब इस नंबर को हम कितने से डिवाइड करेंगे ये चला जाए, हमारा 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा। हमने करके देखा 3 से करने की कोशिश करते हैं। 3 × 3 = 6, 3 × 4 = 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15 डिवाइड हो गया। फिर से 3 से करके देखा, 3 × 4 = 3 × 2 = 3, 5 = 15। अब ये 3 से करके देखा हमने, 3 से अब ये डिवाइड नहीं हुआ तो हमने करके देखा ये 5 से, 5 × 8 = 40 और 5 × 5 = 25। फिर से 5 से गया, 5 से ये 17 टाइम्स, 17 × 7। इस तरह से इसके भी डिवाइड हो गए हमारे 138 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। 3 2 times आया हमारा, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 2 times आया है, 5 की पावर 2 लिखेंगे और 17 1 time आया है तो इसको 1 time लिखेंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5005। इस नंबर के भी फैक्टर करते हैं हम। इसमें पीछे 5 आया है तो पहले हम इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से होता तो ठीक है, 3 से हमने कर गया 3 × 3 = 3 या 2 हो गया, 3 × 6 = 18 और ये 3 से पूरा डिवाइड नहीं होगा तो हमने यहाँ से 5 से डिवाइड करके देखा, 5 × 5 = 5। 0 में किसी से डिवाइड करते हैं 0 आता है और ये हो गया 5 × 5। अब हमें ये पीछे ऑड नंबर मिल गया। ऑड नंबर हमेशा हमारा ऑड नंबर से डिवाइड होता है, कोई भी ऐसे अगर ऑड नंबर आ जाता है तो वो हमारा ऑड नंबर से डिवाइड होगा। तो हमने इसमें 5 से तो पहले 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हमने करके देखा 5 × 2 = 10, 5 से नहीं हो रहा है, 6 से वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर है, 8 से भी नहीं होगा, 7 से हमने करके देखा 7 × 7, 7 से करके देखा 7 × 7 और 3 हो गया, 7 से ये हमारा डिवाइड हो जाएगा,
सेवन से हमने करके देखा तो ये हमारा सेवन से डिवाइड हो रहा है, सेवन में सेवन थ्री टाइम्स थ्री रिमाइंडर बचा, थ्री को हमने इसके पीछे लिखा, थ्री फोर जा सेवन, फोर जा 28 टू टाइम्स, और थ्री सेवन थ्री जा 21, तो ये हमारा हो गया डिवाइड हो गया। अब हमारे पास आ गया, ये डिवाइड करने के बाद हमें मिला वन फोर थ्री, जो हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से हमने करके देखा 11 वन 11 थ्री बचा, 11 थ्री या 33, अब यहाँ से आ गया हमारा 13, 13 को भी हमने डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से हमारे 505 के फैक्टर आ गए, 5005 के फैक्टर आ गए, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, अब इसमें कोई भी पेयर नहीं है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया हमारा, एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका 7429, इसके फैक्टर करते हैं 7429 के। हमने देखा कि पीछे एक ऑड नंबर दिया गया, ऑड नंबर दिया गया 7429 ही है, तो एक ऑड नंबर दिया गया है तो हमने सबसे पहले इसको डिवाइड करने की कोशिश की, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा, 3 से करके देखा 3 2 6, तो हमने ऐसे ऐसे चेक करके देखा तो ये हमारा नहीं हो रहा डिवाइड, 11 से करके देखा 11 से भी नहीं हो रहा है, तो हमने इसको डिवाइड किया 17 से, 17 से डिवाइड किया, 17 से इसका 17 4 जा 68, 4 टाइम्स क्या ये 68, तो यहाँ से हमारा 6 बचा, हमारा 6 हो गया, तो यहाँ ये 62 हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा 11 बनेगा, बचेगा यहाँ से, और ये 7 टाइम्स चला गया। अब हमने इसमें देखा कि ये फिर से हमारा पीछे ऑड नंबर आ गया, अब ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से हमने करके देखा, फिर हमने 17 से करके देखा, 17 से नहीं गया, अब जाएगा ये हमारा 19 से, 19 से हमने डिवाइड किया 2 टाइम्स किया, और ये 23 टाइम्स चला गया, 23 से डिवाइड होता है, तो इसका मीन्स ये है कि 7429 के जो फैक्टर हैं 17 × 19 × 23 हो जाएंगे, और इस तरह से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से हमने देखा ये क्वेश्चन नंबर 1 के सभी के हमने फैक्टर किए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा पूरा फिनिश हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स के आएंगे, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरे फिनिश हो जाएंगे।